आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर में ग्राहक को दुकानदार से मोल भाव करना इतना महंगा पड़ गया कि उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना को दुकानदार पिता पुत्र ने मिलकर अंजाम दिया है, जिन्होंने मोल भाव करने पर हुए विवाद के दौरान ग्राहक की हत्या कर दी। निंदाहारे हुई इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल मामला जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र गुलवा चौक का है। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर आईटीआई दमोह नाका निवासी विष्णु विश्वकर्मा प्लाईवुड खरीदने दुकान गया था। बताया गया कि दुकान में मौजूद आरोपी पिता पुत्र उपेंद्र चतुर्वेदी व अनुराग चतुर्वेदी से सामान खरीदने को लेकर ग्राहक विष्णु का विवाद हो गया, जहां देखते ही देखते पिता पुत्र ने ग्राहक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इस पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है, तो वहीं घटना के बाद मौके से फरार हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये विष्णु विश्वकर्मा आईटीआई माड़ोताल में रहते हैं, कुछ सामान लेने और कुछ सामान बदलने यहाँ अतुल प्लाईवुड की दुकान में आए थे, जो उपेन्द्र चतुर्वेदी और अनुराग चतुर्वेदी की दुकान है। इसको लेके उन लोगों के बीच में दोनों में कुछ वाद विवाद हुआ है, जिसमें अनुराग चतुर्वेदी और उपेन्द्र चतुर्वेदी ने उनके ऊपर हमला किया है और घायल को अभी सीरियस कंडीशन में मेडिकल भेजा गया है और दोनों आरोपियों को राउंड अप कर दिया गया है।